हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज का ये जो व्लॉग है बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि यार ये वन शेयर मोमेंट है। और आज हम जा रहे हैं दुर्गे जी के चल समारोह, भोपाल चल समारोह में। भाई हर सिटी में तो ये इंडिया में निकलता नहीं है, बट अपने भोपाल में बहुत ही धूमधाम से चल समारोह निकलता है। अप टू 100 प्लस जो है वहाँ पे मूर्तियाँ आएंगी माता जी की, और बहुत कुछ यार, डीजे और बहुत सारे स्टेजेस वगैरह लगेंगे, बहुत सारे वहाँ पे बैटल्स होते हैं, डीजे बैटल्स होते हैं, ढोलों के बैटल्स होते हैं, अखाड़े आएंगे। तो ये जो है एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होने वाला है आपके लिए भी। तो इस ब्लॉग को बिना स्किप करे पूरा देखना, क्योंकि आज बहुत कुछ नया नया देखने को मिलेगा। अभी बज रहा है रात के लगभग 1, और ये रात में ही होता है। तो यार अभी मैं घर से निकलता हूँ और फिर अपन आपको जल्दी से दिखाता हूँ नज़ारे। 1 बज रहे हैं और सब लोग सो चुके हैं, तो गाड़ी निकाल लेते हैं। इससे नहीं चल रहा यार, स्प्लेंडर से ही चलते, क्योंकि और कम्फर्टेबल रहेगा। वहाँ पर भीड़ भड़क का बहुत होता है, स्पोर्ट बाइक में बहुत दिक्कत होती है। तो इसको भी अपन निकाल लेते हैं बाहर। अपन आ चुके हैं गाइस अग्नि के घर पे, और यहाँ पे अग्नि भी अपने साथ चल रहा है। चलो भाई, देखिए और दोस्त लोग भी आ चुके हैं, और अभी अपन चल रहे हैं चल समारोह में। अभी तो गाड़ी चलाएगा, चलो। गाइस वेलकम टू नाइट लाइफ ऑफ भोपाल। तो गाइस देखो, कोई शांति वांति नहीं होती हमारे भोपाल में, चहल पहल होती रहती है। बाकी एक माता जी का पंडाल है, माता जी के दर्शन के लिए जा रही है, और अभी अपन यहाँ से चल रहे हैं। ये आ चुके हैं अभी अपन ताजमहल के पास, राजमहल के पास, और यहाँ से निकलते हैं, चल जाएंगे। पीर गेट बेस्ट है, भीड़ में पड़ेगा दोनों साइड से स्टार्टिंग टू एंड, जहाँ से अपन बहुत अच्छे से जाके देख सकते हैं। तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ भोपाल का ताजमहल। तो वैसे तो ये यहीं से चालू हो जाता है। गाइस दिस इज कॉल्ड ताजमहल ऑफ भोपाल। अपन जा रहे हैं पीर गेट की ओर, और गाइस देखो अभी इतने, अभी रात का बज रहा है 1:30। आपको लग रहा है कि रात के 1:30 बज रहा है यार, और आगे तो ट्रैफिक ही मिल जाएगा लगता है। गाड़ी अपन ने खड़ी करी है पीर गेट वाले मंदिर पे, मतलब मंदिर से पहले वाली जो गली है वहाँ पे, और नीचे देखो वहाँ पे देखो लाइटिंग वाइटिंग दिख रही है। तो अपन को वहीं जाना है, और वहीं से स्टार्ट करेंगे अपनी चल समारोह की जर्नी। तो दोस्तों अभी आप लोग एंटर करने वाले हैं एक अलग ही जोन में। यहाँ पे गाइस करोड़ों का इवेंट है ये, लाखों की मूर्तियाँ आती हैं, 100+ मूर्तियाँ रहेंगी, और देखो कितने बड़े बड़े स्टेजेस लगे हुए हैं पुरस्कार देने के लिए। तो बहुत मज़ा आने वाला है, आप बैठ जाओ पॉपकॉर्न लेके, और आज करेंगे फुल टू एंटरटेनमेंट। तो मैं आपको दिखाना चालू करता हूँ अब। यो तो स्टेजेस के ऊपर इतना सारा साउंड लगा हुआ है, इसके अलावा अभी डीजे बहुत लोड में आए हुए हैं यार। तो हमारे सामने एक डीजे जो कि फुल लाइटिंग और साउंड में आया हुआ है। गाइस बिना ब्लॉग को स्किप करे देखना, क्योंकि बीच में आने वाली है हमारी भोपाल की महारानी पंडा की काली जी। तो गाइस ये जो मूर्ति है ये विदिशा से आई हुई है, और ये 3 पार्ट की इतनी बड़ी मूर्ति है यार, बहुत ही प्यारी लग रही है। बाकी अब बताओ, अब नॉनस्टॉप अपन लोग जो है नई नई दुर्गे जी देखना चालू करते हैं। और डीजेस तो यार बहुत सारे आए हुए हैं फुल सेटअप के साथ, तो डीजेस भी देखेंगे और फुल टू एंजॉय करेंगे। तो तो इस झांकी का आखिरी जो ट्रॉला है उसके अंदर जो है कुबेरेश्वर धाम का सीन बनाया है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी जो हैं शिव कथा कर रहे हैं, और ये हैं इनकी माता जी जो कि जवारे लेके जा रही हैं। और गाइस इस
पूरी झांकी में ओवरऑल इतने सारी शील्डें मिली हैं सारे स्टेजेस से, तो इसके लिए अलग से गाड़ी रखिए। बाकी अपन आगे की जर्नी अपनी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सब लोग फुल टू एंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ पे ये वाली जो माता जी है इनकी सारी ज्वेलरी रियल चांदी की है, और इनका रथ देखो बिल्कुल कितना प्यारा है यार, और ये पूरा जो है पीतल का लग रहा है यार, तो बहुत ही शानदार है। इन लोगों को पुरस्कार में मिली है चांदी का मुकुट और सोने का मुकुट मिला, यानी कि इनको जो फर्स्ट प्राइज़ है वो मिला है। वो क्यों मिला है वो अपन आगे देखते हैं। तो इसलिए मिला क्योंकि यार इनके जो ट्रॉले हैं वो बहुत ही शानदार है, इनने बहुत ही तगड़ा एक कॉन्सेप्ट निकाला है। देखो ये रामलीला वाला कॉन्सेप्ट है जिसमें हनुमान जी जो हैं उड़ रहे हैं, और यहाँ पे जो हैं ये लक्ष्मण जी हैं जो कि मेघनाथ का वध कर रहे हैं, और हनुमान जी उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और इन्हीं का जो नेक्स्ट ट्रॉला है उसके अंदर हैं हमारे प्रभु श्री राम, और राम जी जो हैं वध कर रहे हैं रावण को, और जो रावण है बिल्कुल 3D में बहुत ही तगड़ा बनाया है जो कि बहुत शानदार लग रहा है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट की वजह से इन लोगों को मिला है भोपाल GPO में फर्स्ट प्राइस, जो कि चांदी के मुकुट और सोने के मुकुट का प्राइस है यार। तो सोने वाला जो मुकुट है उसमें कुछ परसेंट सोना होगा, और इसका जो लास्ट ट्रॉला है उसके अंदर देखो इतने बड़े बांसुरी के ऊपर हमारे प्यारे राधा और कृष्णा जी लीला कर रहे हैं, और यहाँ पे शायद कृष्ण जी जो हैं अपना सुदर्शन चक्र ले रहे हैं, और ये लास्ट ट्रॉला है जिसके अंदर भाई शेषनाग वाला सीन दिखाया हुआ है। तो ये सारे जो हैं इसी झांकी के ट्रॉले हैं जिस वजह से इनको फर्स्ट प्राइस मिला है। बाकी अपन अपने आगे की जर्नी चालू करते हैं, और नॉनस्टॉप बहुत सारी चीज़ें आने वाली है तो बिना स्किप करे देखना यार। तो अभी हमें मिल चुका है पूरे चल समारोह का बेस्ट डीजे महालक्ष्मी इवेंट्स, और हमने यहाँ पे पूरे 1 घंटे डांस करा और मस्ती करी। देखो यार कितना सादा क्राउड है यहाँ पे। तो यहाँ पे डांस करते करते दो लड़के आपस में बहुत ही गंदा लड़ लिया यार, भीड़ हो गई, कॉलर वॉलर खींच लिया और मार रहे हैं पीटने लगे, तो आपका भाई तो बिल्कुल साइड हट गया इन सब चीजों से।
अभी तक अपन ने पूरी 60 झांकियां देख ली और मैं आपको और भी झांकी दिखाऊंगा। अभी तो यार मेरा गला लग चुका है बिल्कुल, यार आवाज़ नहीं निकल रही है। बाकी चलते हैं और झांकियां दिखाता हूं मैं आपको। तो यहाँ पे हमारे सामने लगा हुआ है पुलिस वालों का मंच, जो कि यार बिल्कुल सादा है। और सामने लगा हुआ है हमारे पास एक प्राइवेट मंच, जिसके अंदर जो है फुल स्टेज कसा हुआ है सेटअप लाइटिंग के साथ। और आप लोगों का इंतज़ार होने वाला है ख़त्म, क्योंकि आपको होने वाले हैं जल्द ही दर्शन भोपाल की महारानी पंडा की काली जी के। तो इसलिए कमेंट में जाके जल्दी से लिख दो जय माँ काली। तो यहाँ पे भोपाल के बच्चे भी पीछे नहीं है, बच्चों ने बनाई है छोटा सा ट्रॉला, जो कि काली जी वाला ही अभी तक की सबसे छोटी झांकी होने वाली है अपनी। और लोगों को जब प्राइजेस मिलते हैं तो यार ऐसे ले लेके नाचते हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े प्राइजेस मिलते हैं। अब आगे चलते हैं अपन, यार ये जल समार तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पूरे 8 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और बहुत क्राउड है यार, लाखों में पब्लिक है। और आगे बहुत सी झांकी देखने को मिलने वाली हैं, तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और देखते रहें।
इतनी भीड़ में बहुत सारे लोग टकराए हैं, बट वीडियो मैंने बस ऋतिक भाई का लिया है। गाइस लगभग 115 मूर्ति देखने के बाद आगे जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं बची, क्योंकि नॉर्मली अपन इतना चलते नहीं है, बट आज लगभग 10 किलोमीटर की रनिंग हो चुकी है। तो अभी अपन जा रहे हैं दोबारा करपू वाली माता के मंदिर साइड, और फिर वहां से थोड़ा बहुत और आपको दिखाएंगे और फिर घर निकलते हैं। फाइनली मैं अब घर आ चुका हूँ। आज का कुछ ऐसा रहा हमारा 2024 का चल समारोह ऑफ माता जी, और भाई बहुत ही तगड़ा मज़ा आया यार। इस बार डीजे तो बहुत भर भर के थे और एक से बढ़कर एक डीजे थे, बट भाई जो बैटल है जिस पे अपन लोग नाच रहे थे वो सबसे शानदार डीजे था, वो था महालक्ष्मी इवेंट्स। नटराज वाले को भी फेल कर दिया। बाकी गाइज इस ब्लॉग को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और ऐसे ही नए नए ब्लॉग देखने के लिए मुझे करना है सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल गाइज, स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।